इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 14 विभाजन को समझना भाग 4। इसमें हम सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है उसको पढ़ेंगे और 10 साल मतलब आखिरी 10 साल ब्रिटिश राज्य का क्या क्या हुआ उसके बारे में नीचे पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, क्या उससे मिल सकता है, क्या सीखने को मिल सकता है? तो हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं, जो भी हम पहले देखे हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हम किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, उसका अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार का कारण है। किसी की लालसा अलग होती है, किसी की मनसा अलग होती है, तो जिसकी जैसी सोच, जो जैसा सोचेगा वैसा ही पाएगा, जैसा सोचेगा वैसे ही खोजेगा। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, यहाँ पर समझना कि आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि हर देश में अनेकों प्रकार के भाषाएं बोले जाते हैं, लेकिन एक भारत अपना देश है, इसमें 125 से 30 प्रकार का भाषा बोला जाता है। हर भाषा में अलग अलग प्रकार का ट्यूनिंग है, समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला नहीं समझता है, लेकिन एक हिंदी ऐसा बनाया गया कि सब समझते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं, आप भारतीय हैं लेकिन विश्व के नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फर्क होती ही है, परिवार कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है उसमें भी फर्क होता है, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई ना कोई धर्म है, सही बात है, जो भी है किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, नास्तिक तो कोई है नहीं। और हमारी जिंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है, भूमिका हो भी सकती है, क्योंकि बहुत लोग समुदाय के अनुसार भी चलते हैं। पंडित और ब्राह्मण लोग हो जाते हैं, ये भी लोग समुदाय के वजह से आगे बढ़ते हैं, समुदाय के वजह से चलना चाहते हैं। और मैं आज की नहीं पहले की बातों को बताता हूं, तो पहले के जमाने में होता क्या था कि जो समुदाय जो काम करता था उसके आने वाले बच्चे भी, भविष्य में जो बच्चे होते थे वह भी वही काम करते थे। एक तरीके से क्या हो जाता था, जाति नहीं एक समुदाय होता था, जाति व्यवस्था तो कभी था ही नहीं, लेकिन लोगों ने जाति व्यवस्था को मान लिया। लेकिन वही लोग आज जाति व्यवस्था को ठोकर मार देवे, लात मार देवे, तो किसी की औकात नहीं है कि जाति व्यवस्था को फिर से कायम कर सके, नहीं कर सकता है जी। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, कई ऐसे ऐसे कारण हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आता, यानी कि वे जटिल होती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला, मुश्किल दौर से भरा होता है, बहुत मुश्किल होता है उसमें, मतलब बहुत कठिनाइयां है उसमें। कुछ विशेष संदर्भ में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुए, जैसे में धर्म, ऐसे कुछ हो जाते हैं तो अपने अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलू, तो चुने हुए पहलू में धर्म, तो धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपका कोई मस्जिद तोड़ दिया आप उसका मंदिर तोड़ दोगे, आपका कोई मंदिर तोड़ दिया आप उसका मस्जिद तोड़ दोगे, ऐसा क्यों करने का? आप एक मीटिंग बैठा सकते हो, पंचायती हो सकती है वहां पे, भैया आपने तोड़ा क्यों, और जिसने तोड़ा उसको भैया वहां से भगा दो, तुम इस गांव में मत आना कभी। तो इस प्रकार का पहले जमाने में बोलते थे, उसको देश निकाला, उस राज्य से निकाल दिया जाता था, तो इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में देश निकाला बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो आज डायरेक्ट उनको पुलिस के हिरासत में दे दो, जाएंगे 10 साल रह कर आएंगे, एकदम हम सुधर जाएंगे। लेकिन हम उसको मानकर, धर्म को मानकर हम आगे लड़ने लगे तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर धर्म के वजह से कोई मारपीट होती है, दंगा फसाद होता है, तो नुकसान किसी दूसरे का नहीं होता है, नुकसान अपने लोगों का होता है। अपने भाई बंधु मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, अपना सारा सामान लूट लिया जाता है। मार्केट की बात कर ले तो मार्केट में कई कई दुकानों को लूट लिया जाता है, लोग लूट के ले जाते भी है और उसका भरपाई भी नहीं करना पड़ता है उनको। लेकिन इस सांप्रदायिकता, यहाँ पर समझना कि लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। किसी भी धर्म को लेकर कुछ परेशानियां हो जाना, महत्वपूर्ण मान लेना, तो ये एक सांप्रदायिकता नहीं माना जा सकता, यहाँ पर बताया जाता है। तो सांप्रदायिकता है क्या,
उसका कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है, समझना यहाँ पर, सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। मतलब धार्मिक समुदायों के बीच में, दो जातों के बीच में जो झगड़ा पैदा करता है, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। तक सिंपल सा यहाँ पर लाइन है, उसी से पूरा समझा दिया गया है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। ये जो सांप्रदायिकता वाले राजनीति राजनेता लोग होते हैं, ये जो अपना धार्मिक पहचान होता है उसी को बुनियादी और अटल मानती है कि भैया ये तो ये, नहीं तो नहीं। मतलब आज के जमाने में, चाहे पुराने भी जमाने में, इसी के वजह से बहुत कर्म कांड हुआ, बहुत बार लड़ाइयां हुई, अनेकों प्रकार से यातनाएं लोगों को झेलना पड़ा था, लेकिन फिर भी ये सारी बातें सालों साल चलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहा। सांप्रदायिक राजनीति, तो सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है, जितने भी ये सांप्रदायिक नेता जो होते हैं, सांप्रदायिक राजनेता होते हैं, इनकी कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने में अपना अर्थव्यवस्था गंवा बैठते हैं। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपने इलाके में दंगा करवा देते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि जरूरी है। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये सारा कांड जो करते हैं ना, जरूरी समझकर करते हैं। भैया जरूरी क्या है, मतलब जरूरी समझकर वो कर बैठते हैं। मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हो, समझना यहाँ पर, कितना जरूरी मान लेते हैं कि उसी पहचान को लेकर बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का पैदा लेता है, तो क्या उसके शरीर पर मोहर लगा रहता है क्या कि तुम कौन से जात का है, कौन से समुदाय का है, कौन सा देश का है? नहीं है। जैसा बाप होता है वैसे ही उसका संतान होता है। नो मोहर, नो एफिडेविट, कुछ नहीं होता है। फिर भी वो बड़ा होता है तो उसको जब तक खेलता है, कूदता है, बच्चा है, 2 साल का है, ठीक है, 2 साल के बाद ही उसको सब चीज सिखाया जाता है। जो बच्चे इतना चुलबुले हुआ करते थे, जो बच्चे इतने मिलनसार हुआ करते हैं, बड़े होकर इतना अकड़ू हो जाते हैं, इतना जवान लड़ाने लगते हैं, क्यों लड़ाते हैं? यह हमारी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में उसको ठीक से ढाल नहीं पाए, इसलिए, और ज्यादा समय उसके साथ बिता नहीं पाए, तब जाकर ये सब कांड होता है। तब जाकर लोगों के मन में मनमुटाव हो जाता है, बच्चे आपसे बताना भूल जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे ऐसे, मतलब आम भाषा में बोला जाए तो, कोई भी छात्र जल्दी अपने माता पिता को कुछ बताता नहीं है, बताना ही नहीं चाहता है, उनको लगता है कि वो समझते ही नहीं है। बात ये नहीं है कि वो समझते नहीं है, बात ये है कि वो उस लायक अपने आप को बनाए नहीं कि बच्चा हर बात को बता सके, हर बात को सुनना पड़ता है। भैया बाप माँ बाप के अलावा उसको दोस्त भी बनना पड़ता है। भाई बहन अलग बात हो जाते हैं, लेकिन भाई बहन के बीच में एक दोस्ती होनी चाहिए जो हर बात को समझ सके, समझा सके। और हर समुदाय के बीच में भी दोस्ती होनी चाहिए कि बैठ कर बात किया जा सके। अगर बैठ कर बात नहीं करेंगे तो बस वही होगा जो आज तक होते आया है, झगड़ा, झंझट, दंगा, फसाद, उसके अलावा क्या हो सकता है? उनके धार्मिक समुदायों को मजबूत करने के चक्कर में मानो अस्मिताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है। यहाँ पर समझना कि कुछ भी हो, जो भी हमारी यादें हैं, इतिहास है, समय के दौर मतलब क्या, समय के अनुसार गुजरते तो है लेकिन बदलती नहीं है। आप समझो कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, थोड़ा सा चिंगारी लग गया, वो धीरे 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 सुनकते 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 बड़ा आग बन जाएगा। 1 साल ना सही, 2 साल ना सही, 3 साल ना सही, 4 साल ना सही, 10 साल के बाद वो ज्वालामुखी जैसा फटेंगे। इसीलिए बदलते समय के साथ, गुजरते समय के साथ खत्म नहीं होता है, वैसे ही चलता रहता है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, और जो भी सांप्रदायिक लोग होते हैं उस चीज को दबा देते हैं, उस बात को दबा देते हैं, उस लोग को दबा देते हैं जो सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहता है। तो
तो सांप्रदायिकता खत्म करने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं कि उनका जीना ना जीना कोई किसी के बराबर नहीं होता है। उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे ही सांप्रदायिकता राजनीति चलती रही, सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही धीरे 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 बढ़ती रही, तो एक न एक दिन ऐसा समय आता है जब उस धर्म वाले अपने कौम को, अपने संगठन वाले को, अपने लोगों को दूसरे धर्म के प्रति भड़काते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। सीधा कारण यही होता है कि आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ेंगे मरेंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। अरे अपने धर्म को दिल से नहीं बचा पाए तो इस तरह क्या बचा पाओगे? इसका टॉपिक मैं आगे ले चलूंगा कभी, लेकिन यहां पर इस बुक के माध्यम से ये बताता हूं कि यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्ह गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। समझना यहाँ पर कि सांप्रदायिकता जो होती है एक चिन्ह है, चिन्ह मतलब क्या, एक पहचान जो गैर धर्म के खिलाफ घृणा पैदा करती है अपने मन में, हर लोगों के मन में उस कौम के प्रति और दूसरे कौम के प्रति, मतलब जिस समुदाय से वह है दूसरे समुदाय के प्रति मन में दुश्मनी का भाव, नफरत पैदा करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है, और ठीक इसी तरह हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिमों को गैर बताकर उनका विरोध करती है। मतलब एक दूसरे से कोई कम नहीं है, सब वही है। और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है कि एकदम लड़ेंगे, तुम आ जाओ हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करके सभी को सुरक्षित कर दिया गया, नहीं तो बहुजातीय के जो लोग होते हैं वो चैन से किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन आज मैं बताता हूं, अगर ओबीसी, SC ST, EBC, अगर ये तीन चार समुदाय के लोग सामने आ गए ना, तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी को मतलब डोला देगा लोग, इतना ताकत है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा समुदाय के लोग हैं, बहुत ज्यादा इन लोगों की जनसंख्या है, अगर एक बार खड़े हो गए तो बढ़िया से बढ़िया सरकार गिरा सकते हैं। तो इतना पावर रखने के बाद भी उसका इस्तेमाल ना करना, ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि लोग, नेता आपको उस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप ज्यादा सोच ही मत पाओ, ना ज्यादा सोचोगे ना ज्यादा भड़कोगे, और नहीं भड़कोगे तो चुपचाप वोट दोगे तो वही चीज है, फिर से वही चलेगा। आगे देखते हैं यहां पर कि इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष विशेष तरह से राजनीतिकरण है। क्या मतलब? इसका साफ अर्थ है, किसका? अभी सांप्रदायिकता का ही अर्थ बताया जा रहा है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का, मतलब धार्मिक समुदाय का, धार्मिक यादों का विशेष तरह से राजनीतिकरण है। केवल राजनीतिकरण के लिए ही सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करने की कोशिश करते हैं, केवल झगड़ा पैदा करवाने के लिए कोशिश करता रहता है सभी लोग। तो जो भी सांप्रदायिकता को आगे बढ़ेगा वो क्या करेगा? केवल झगड़ा करवाएगा। इसीलिए बोला जाता है आप जातिवाद से ऊपर उठो, संप्रदायवाद से ऊपर उठो, और उसके बाद देश के भविष्य के लिए अपना योगदान दो। तो किसी भी बहुधार्मिक देश में, बहुधार्मिक क्या, जहां पर बहुत प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हो, तो बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ यह हो जाता है कि सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। मतलब समझो यहां पर कि किसी भी बहुधार्मिक देश में जहां पर धर्म अनेक हो, तो वहां पर धार्मिक राष्ट्रवाद, हर धर्म का एक अलग नेता जरूर होता है, उसी शब्द का अर्थ होता है सांप्रदायिकता। हर धर्म के एक नेता हो वही होता है सांप्रदायिक नेता। यहां पर समझना कि जो सांप्रदायिक नेता हो उसको साफ साफ बोलो कि भैया आप जाओ, लड़के आओ, हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं हो जाता है कि हमारे साथ जो गलत करता है तो हम चुपचाप नहीं रह सकते हैं, गलत का जवाब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोई मुंह से बोले तुम डंडा से बोलो,
कोई पत्थर से बोले तुम पूरा पहाड़ जला कर मार दो, कहानी खत्म एक के बार में। आप रामायण देखे होंगे, सब देखे ही होंगे लोग आप लोग, तो वहां पर कुंभकर्ण के पास जब बजरंग बली ले जाकर पहाड़ फेंकते हैं, बड़ा सा पर्वत फेंकते हैं, तो कुंभकर्ण बोलते हैं फेंको फेंको पूरे जोर लगाकर फेंको बानर। तो ये सब क्या होता है कि हम तुमसे हिलने वाले नहीं है, दम लगाकर फेंक लो। लेकिन वही आज के जमाने में लोग बोल नहीं पाते हैं, जो भी फेंकते हैं उसके नीचे एकदम बढ़िया से तोपे जाते हैं और थोप जाते हैं तो आगे वही होगा जो वो चाहते हैं। तो अनेकों प्रकार की ये शब्द का इस्तेमाल करके लोग क्या क्या नहीं कर सकते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, एक अमेरिका में आदमी था, उसको आत्महत्या करने का मौका मिला क्योंकि वो पत्नी से परेशान था, घर वालों से परेशान था। तो जब वो मरने जा रहा था तो उसने सोचा कि हम अकेले क्यों मरते हैं, सबको लेकर मरेंगे। तो उसने एक मीटिंग बोर्ड बैठाया, वहां पर करीबन 4,000 से 5,000 लोगों का आने का व्यवस्था था, मतलब पूरा बढ़िया तरीके से वहां पर भीड़ जम गई। और बात यही था कि जो भी परिवारवाद और पत्नीवाद से पीड़ित है वो वहां पर आवे, परिवारवाद नहीं केवल पत्नीवाद। तो वहां पर सारे पत्नीवाद लोग पहुंचे, सारे जेंट्स पहुंचे, कुछ औरतें भी पहुंची जो पतिवाद थी। तो वहां पर जो आत्महत्या करने जा रहा था उसने भाषण दिया, लगातार नॉन स्टॉप 1.5 घंटा भाषण दिया और बोला कि मैं मरने जा रहा हूं, अगर आप सबको, अगर मेरे बात में तनिक भी सच्चाई है तो अपना नॉन स्टॉप 1.5 घंटा का भाषण खत्म करते करते लास्ट में बोला क्या कि यहां पर आपको वो गोली मिलेगा कि जिसको खाने के बाद आप मर सकते हो। तो पहली शुरुआत वो आदमी किया स्वाहा, तुरंत एकदम स्वाहा। उसके बाद 4,000 साढ़े 4,000 लोग जो वहां पर पूरे कंपाउंड में थे उन लोगों ने भी वो दवाई खाया और उस दिन चार, मतलब समझो कि 4,500-5,000 लोग तुरंत साफ मर गए। जब पुलिस का इंक्वायरी हुआ तो वहां का सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग जो था उसको देखा गया, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद अमेरिका में एक तरीके से देखा जाए तो उस दिन मतलब अजीब प्रकार का सन्नाटा हो चुका था, एक साथ इतने लोगों को मार दिया। तो एक मरने वाला आदमी उतने लोगों को लेकर एक साथ मर सकता है, तो एक जीने वाला आदमी लाखों करोड़ों लोगों के लिए आदर्श व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, बलिदान चाहिए उसको, बलिदान देना पड़ता है, हर चीज को त्यागना पड़ता है। तो वही बात यहां पर साफ आ जाता है कि ब्रेन वॉश कोई करता है तो वहां पर टिको नहीं, तुरंत भाग जाओ, क्योंकि आप मैजिक शो में जाते हो तो आपको वही दिखाया जाता है, आंख का चोली, मतलब सामने देखोगे कुछ और, समझोगे कुछ और, दिखाएगा वो कुछ और, आपको लगेगा कुछ और। तो ऐसे प्रकार के हम नाटकों को, जैसे मैं मैजिक शो है, हम देखते रहते हैं, तो इसे कुछ समझा जाए ना, क्या जरूरत है इन लोगों के इर्द गिर्द भटकने का। लेकिन भटको, जो राष्ट्र के लिए आगे बढ़ता है उसके लिए आप भी आगे बढ़ो, लेकिन सांप्रदायिकता के लिए कोई आगे बढ़ रहा है तो मत बढ़ो। ऐसे देश की हम बात कर लेंगे जहां पर बहुधार्मिक होता है, मतलब बहुत सारे धर्म हैं, तो उस देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मान लिया कि भैया यही धर्म समुदाय का राष्ट्र है, जिस तरह अभी हिंदू राष्ट्र ये सबसे ज्यादा शब्द बोला जा रहा है लोगों के माध्यम से, लोगों के मुंह से लोग अपने विचार रख रहे हैं सामने, इसी तरीके से, तो ये क्या होता है, तो वह विरोध और झगड़ों के बीज बो रहे हैं। आने वाले भविष्य में झगड़ा होगा, आने वाले भविष्य में विरोध होंगे, लेकिन आज के युवाजन, आज के विद्यार्थी अगर जगे रहेंगे, आज के विद्यार्थी अगर दिमाग से एक्स्ट्रा लेवल का सोच पाएंगे, सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया और ये क्या बोलते हैं, गेमिंग से बाहर निकलकर जब आदमी सामने अस्पष्ट तरीके से जब समाज में आता है तब मालूम चलता है कि समाज कैसा है। तो समाज में आने के लिए पहले पूरी जानकारी लो, 2 साल गायब हो जाओ इस समाज से, 2-3 साल एकदम इस समाज से दूर चले जाओ, नो कॉन्टेक्ट, नो मैसेज, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, सीधा आराम से मोबाइल का इस्तेमाल करो, किस और किस लिए, केवल गूगल चलाने के लिए, वहां से पूछो, किताब डाउनलोड करो, किताब खरीदो,
पढ़ो, 3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, 3 साल के बाद बारूद बन के निकलो और अपने राष्ट्र के लिए काम करो। तो ये सब करने के बाद ही तो आगे कुछ करने को मिलता है, तब जाकर लोग याद रखते हैं कि फलना इतना किया हमारे लिए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में मर गए, अपने को कुर्बान किए इस देश के लिए, तो कुर्बान किए तो ना आज हम लोग उनको याद करते हैं। तो भगत सिंह को कौन नहीं याद करता है, हम याद करते हैं, हिंदुस्तानियों याद करते हैं, बांग्लादेशी याद करते हैं, पाकिस्तानी याद करते हैं, तो हम लोग उनको क्यों भुलाएंगे, नहीं भुला सकते कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शहादत दिया, कुर्बानी दिया। तो जो कुर्बानी देता है उसको समाज याद रखता है, देश याद रखता है। आप भी दोगे आपको भी याद रखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भगत सिंह जैसा लटक जाओ, नहीं, आजकल ये आत्महत्याएं बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं था, वो कुर्बानी थी, बलिदान था। और आप जो देते हो कायरता है, बेवकूफी है, गधप्पन है, पढ़ाई में फेल हो गए आत्महत्या, इधर फेल हो गए आत्महत्या, किसी रिलेशन में फेल हो गए, छत से कूद गए, गजब वाले यार। अब देखिए यहां पर कि आखिरी 10 सालों में क्या क्या हुआ था। 1947 देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। अब हम बात करते हैं, मतलब 1937 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए, अगर वहां पर पार्लियामेंट तो बनाना चालू हो चुका था ना, पार्लियामेंट बन रहा था, तो उस समय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12 प्रतिशत लोगों के पास था कि यही लोग वोट दे सकते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस के परिमाण, मतलब जो उनका रिजल्ट आया, तो कांग्रेस के परिणाम अच्छे हुए थे। वहां पे कांग्रेस अच्छे सीटों से जीती, जिसमें उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कितना में, 11 राज्य में, पहले 11 प्रांत था, तो 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, और 7 में अपनी सरकारें बनाई थी। 11 में से 5 में तो पूरा जीते, लेकिन सब जीतने के बाद भी 7 राज्य में 7 प्रांत में अपनी सरकारें उन्होंने बना लिया। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। तो इससे लोगों को समझना चाहिए कि जब मुस्लिम लीग नहीं समझ पा रही है, तो हम उनके कहने से अपना देश का बंटवारा क्यों कर लिए। लोग उस समय समझ नहीं पाए, क्योंकि हर किसी के पास रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल नहीं था, रहता तो नहीं होता, रहता तो भैया हम लोग व्हाट्सएप और इंस्टा फेसबुक पर ही लड़ते रह जाते। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4%, साफ साफ समझो तो 4.5% हिस्सा मिल पाया था, 4.5% ही लोग वोट दे पाए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम किधर चला गया, उत्तर में आपको उधर बलूचिस्तान वाला इलाका, सीधा पाकिस्तान का इलाका ही समझ सकते हैं, कश्मीर से सटा हुआ, तो उत्तर में अपना पूरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक सीट भी नहीं मिली, मतलब वहां पर जितने भी सीट उन लोगों को चाहिए था नहीं मिला। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुए थे, मतलब पंजाब में 84 आरक्षित सीट था मुसलमानों के लिए, लेकिन वहां पर 2 सीटों में ही वहां पर मुस्लिम लीग को वहां पर जीतने का मौका मिला, 2 ही जगह पर वो जीत पाए थे। और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुए थे। समझो कि वहां पर मुस्लिम लीग को कोई जानता भी नहीं था, मुस्लिम लीग को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बंटवारे का जगह उसी को क्यों चुना गया, चुनने वाले उसी जगह को क्यों चुने, जहां पर तो भैया आरक्षित जगह होते हुए भी उनको कोई पूछता नहीं था, फिर भी लोग चुन कैसे लिए। ये बातें हमें सोचनी चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उस बात को दबा दिया, उस बात को कभी सामने आने भी नहीं दिया। सिलेबस में है, लेकिन सिलेबस में ठीक से पढ़ाया भी नहीं गया। मैं बोलता हूं, मैं बिहार में पढ़ा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में नॉलेज के बारे में जानता हूं, आप कैसे पढ़ाई होते हैं, इस बुक को डिटेल्स बाय डिटेल्स नहीं पढ़ाया जाता, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई भी।
पढ़ाते भी हैं तो उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम लिखवा दो। अरे भैया एग्जाम लिखवा दो क्या होता है, केवल एग्जाम लिखवाओगे तुम, एग्जाम के लिए पढ़ाओगे, बस इसी चीज को खत्म करना है। आप साथ दो इसी चीज को खत्म कर देंगे, एग्जाम के लिए नहीं अपने भलाई के लिए पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र आज वर्तमान में उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत था, समझ लो एक तरीके से पूर्ण बहुमत, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया कि भाई हमारे पूर्ण बहुमत है तो तुम्हारा काय को मानेंगे यार यहाँ पे। तो कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिल में यह बात घर कर गई, दिल में यह बात बैठ गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो, अगर भारत में विभाजन नहीं हुआ तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है इसलिए नहीं आ पाएगी। ऐसे समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। मतलब इनका मानना था कि मुस्लिम पार्टी का, मुस्लिम लोगों का हित क्या है, अहित क्या है, केवल एक मुस्लिम पार्टी ही समझ सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको आज के एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों का दर्द केवल मुसलमान समझ सकता था, तो एक हिंद राष्ट्र का दर्द एक मुसलमान कैसे समझा। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे ना 2000 के, मतलब 2000 के बाद बने ना, पूरा उनका चर्चा कितना हुआ जब एपीजे अब्दुल कलाम जब खड़ा हुए थे, तो उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था, डायरेक्ट बन गए। कैसे बन गए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को देश के लिए बलिदान कर दिया, पूरी जिंदगी को देश के लिए कुर्बान किया, तब न बने। कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था, उनका नाम सामने आया था कांग्रेस वाले भी चुप हो गए, बीजेपी वाले तो वही लादने वाले थे, वही उनको आगे बोले कि भैया आप आइए, आपको हम प्रधान राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें आज है, आप जैसे गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, सोशल मीडिया पर सर्च करोगे, तो आपको ये सब जानकारी मिलेगी। लेकिन आप गेमिंग से बाहर निकलोगे, इंस्टाग्राम से बाहर निकलोगे, प्यार मोहब्बत से बाहर निकलोगे, तो ना सर्च कर पाओगे। हाँ हर क्लास में एक बच्चा होता है जो खूब सर्च करता है, हाँ समझ सकते हैं खूब क्या सर्च करता है। लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करो हमारे राजनेताओं के बारे में, हमारे आजादी के बारे में, हमारे सांप्रदायिकता के बारे में, हमारे हिंदू दल के बारे में, हमारे मुस्लिम पार्टी के बारे में, तब जाकर आपको एक अहम भूमिका वहां से समझ में आएगी क्या क्या कैसे हुआ था। तो आगे यहां पर तो साफ हो गई कि मुस्लिम लोगों का हित केवल एक मुस्लिम पार्टी ही समझ सकती है, लेकिन कांग्रेस तो एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद की, जिन्ना जिद करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, मतलब जिन्ना को ही मुस्लिम समुदायों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, ऐसा उधर का मांग उठने लगा। उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर था, मतलब उस समय लोग इधर पूछते ही नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना को कोई जानता भी नहीं था, कोई समझता भी नहीं था कि ये लीग चलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग अरेस्ट हो गए, तब जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को मौका मिला कि जाकर पश्चिम में अपने बातों को सामने रखे, अपने आप को प्रचार करे, तो जाकर उनका नाम हुआ, नहीं तो कोई नाम नहीं था उनका। अगर ये लोग जेल नहीं जाते तो अपना भारत दो दो तीन टुकड़े में नहीं बटता, नहीं बटता तो हमसे आंख उठाकर देख लेने की हिम्मत, औकात किसी देश को नहीं होती। तो ये बातें हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो लीग संयुक्त प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश, तो संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, मतलब आपको उत्तर प्रदेश में थोड़ा नाम था, बंबई में नाम था, मद्रास में था, तो इन जगहों पर लोकप्रिय थी। परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफी कमजोर था, बंगाल में और उधर पाकिस्तान के तरफ सिंध के तरफ, सॉरी सिंध, सिंध है ना, तो सिंध के तरफ बहुत कमजोर था, कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि गिने चुने लोग शहर में जान लेते हैं, गांव गांव को बात नहीं पहुंचती है, गांव गांव के लोग नहीं जान पाते हैं।
तो सिंध में भी लोग सरकार नहीं बना पाई। यहाँ पर समझना कि सिंध में भी लीग जो थी, मुस्लिम लीग, ये सरकार नहीं बना पाई थी, और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक नया पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन, यहाँ पर समझना कि लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिश दोहरी कर दी। जो कोशिश इनकी कम थी, उस कोशिश को ये लोगों ने बढ़ा दिया कि भैया अब तो बंटवारा कड़ाई करेंगे, कुछ भी कर लो, अब होगा तो होगा। हिंदू सभा, यहाँ की बात हम बताते हैं आपको, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर प्रदेश तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू समाज में जितने भी लोग हैं उनके बीच में एकता पैदा करना चाहती थी। हिंदू महासभा, हिंदू अस्मिता, हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। अब ये जो नेता भी थे ना, ये भी भड़का रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं को। तो ये बीज जो बोया गया था, इस बीज में हर कोई झुलस गए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या फारसी, सब झुलस गए। लेकिन यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि चंद मुट्ठी भर लोग आकर हमारे घर में, हमारे शहर में दंगा करके चले जाएंगे, हम चूड़िया पहन के घर में बैठे रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात कांग्रेस मंत्रालयों ने, कांग्रेस के जो मंत्रालय था, तो कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया, कम नहीं किया और गहरा किया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। भैया साथ रख लेते ना, साथ रख लेते तो क्या हो जाता, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती। जमींदारी प्रथा जो था ना उस समय, ये जमींदार है, ये फलना है, वो फलना है, तो उसका समर्थन करती, प्रतीत होती थी कि भैया समर्थन मुस्लिम लीग कर रही है, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। लेकिन अगर बात करते तो कुछ दिन बाद खत्म कर लेते, कुछ साल बाद अगर खत्म कर लेते। यद्यपि हम यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। कांग्रेस को भी ज्यादा मतलब वहां पर सीधा बताऊं तो कार्यक्रम तो किया था, लेकिन मुस्लिम जनसंपर्क को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इस प्रकार कांग्रेस के धर्म निरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ गई, पड़ ही गए थे। समझना यहाँ पर कि जितने भी जो ये कांग्रेस के धर्म निरपेक्ष और रेडिकल बयान जो सामने आता था, तो उससे रूढ़िवादी मुसलमान जो केवल एकदम कट्टरपंथी होते हैं, और जो मुसलमानों के पास अधिकतर जमीन था, मतलब जमीनों के मालिक, इन लोगों को चिंता में बीतने लगा के दिन कि अब तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो चिंता में पड़ ही गए थे। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई थी। और कांग्रेस कितना भी कोशिश किया, लेकिन फिर भी अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाया मुसलमानों को। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्म निरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा जोर देने लगे थे कि धर्म निरपेक्ष रहेगा इलाका अपना, कोई धर्म की बात सामने नहीं आएगी। मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इस विचारों का पूरी तरीके से सहमत नहीं थे, मतलब इस विचार पर पूरी तरीके से वो लोग सहमत नहीं थे कि भैया धर्म निरपेक्ष अपना समाज बने। मौलाना आजाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, मतलब समझना कि कांग्रेस के सदस्य को लीग के सदस्यता में शामिल होने का कोई छूट नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। हिंदू महासभा में जाकर मिल जाओ, और हिंदू महासभा एकदम रूढ़िवादी थे, तो भैया हम मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ता था उनको। और उस समय का भी जो CID CBI था, बहुत खतरनाक था, हर चीज का खबर रखता था।
और उनके मुताबिक देखा जाए तो कम से कम मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश, तो वहां पर यही स्थिति थी कि भैया शामिल नहीं हो पा रहे थे, लीग में शामिल होना नहीं था, मना था, छुट्टी नहीं है, और अब हिंदू महासभा में शामिल हो सकते हो। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, उस समय भी था कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो साथ में चलता था कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। मतलब कांग्रेस वर्किंग पार्टी ने ऐलान कर दिया 1938 में दिसंबर के महीने में कि अब कांग्रेस के लोग हिंदू महासभा में भी सदस्य नहीं बन सकते, शामिल नहीं हो सकते। ये लिखा है ना कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। आगे देखिएगा, प्रसंगवश यहाँ पर सीधा सीधा देखा जाए तो एक ड्रामा के माध्यम से लिया जाए तो यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ आरएसएस, तो राष्ट्रीय सेवा संघ, तो ये भी सामने आया था, हिंदू महासभा भी सामने था, आज ये दोनों साथ में है। हिंदू महासभा जिसको एनडीए नाम से शायद जानते हैं, और ये अपना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तीन लोगों का अलग एक बटालियन फौज हुआ करता था। तीन लोगों ने बहुत कष्ट झेला भी, ऐसा नहीं है कि नहीं झेला है, बहुत सारी पार्टियां आई, इनको कष्ट भी हुआ, मारे भी गए, पड़तारे गए, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी, ये लोग बढ़ते जा रहे थे, हिंदू सभा बढ़ते जा रहा था, आरएसएस बढ़ते जा रही थी, और 30 के दशक में ही आरएसएस नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैल गया। तो आरएसएस हर इलाके में फैल गया। 1940 तक आते आते आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे। मतलब समझना यहाँ पर कि 1940 आते आते आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाले लोग, समझ लो कि समर्पित है आरएसएस के लिए, देश के लिए, हिंदू महासभा करने के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद करने के लिए, तो 1 लाख कार्यकर्ता शामिल हो चुके थे 1940 में। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, भारत केवल हिंदुओं का देश है, बस यही बात से वो लोग आगे सामने बढ़े थे। यहां पर एक सामने देखोगे यूनिस्ट पार्टी, क्या नाम है, यूनिस्ट पार्टी, इसमें पंजाब में हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 1947 के बीच काफी ताकतवर रही, उसके बाद खत्म हो गई। महासंघ भी आया, महासंघ या परिसंघ, परिसंघ मतलब क्या, जो जहां पर 5-6 संघ पार्टियां मिलकर काम करती हो। आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सत्ता के पास केवल सीमित शक्तियां होती थी। लेकिन देश आजाद हुआ तो गांधी मतलब जो भी संविधान बनाने वाले थे, उन लोगों को पता था अगर केंद्र को ताकत नहीं दिए तो ये राज्य छटक जाएंगे, अगर राज्य छटक जाए तो देश कमजोर हो जाएगा, इसीलिए केंद्र को ताकत दे दिए, राज्य को कार्यभार संभाल दिए। अगर केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य को मिला सकता है, किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, किसी भी राज्य को जोड़ सकता है, किसी भी देश को अपने शरण में ले सकता है। तो ये बातें स्पष्ट कर दिया गया था वहां पे, तो इसी के साथ अपना संविधान बना। अब यहां पर पाकिस्तान का प्रस्ताव सामने कैसे आया तो उसके बारे में जानेंगे अगले भाग में। तो आपको कुछ भी डाउट हो, आप कुछ बताना चाहते हैं, से कोई भी सलाह देना चाहते हैं, बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या बताना चाहते हैं। और हमेशा अपने पढ़ाई को, अपने शिक्षा को समाज के लिए समर्पित करो, अपने लिए तो कर देंगे लेकिन समाज के लिए भी समर्पित करो। जहां पर हिंसा होते देखो वहां पर तुम छोड़ो नहीं उनको, मैं ये नहीं बोलता हूं जाकर भीड़ पड़ो, नहीं, आप उसको समझदारी से पार लगा दो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।